भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गाना आ चुका है। जी हाँ, गाना आया है। आपको पता है किसकी बात हम कर रहे हैं? बाबा भोलेनाथ के लिए। जी हाँ, सावन का महीना आने में अभी देरी है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए, अपने प्रशंसकों के लिए अभी से खेसारी लाल यादव ने अपने एल्बम बाबा धाम की रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका ऑडियो रिलीज जल्द किया जाएगा और फिर उसके बाद इसका वीडियो रिलीज किया जाएगा। वैसे सावन का महीना भोजपुरिया गायकों के लिए काफी खास होता है। पिछले बार तो मानो बाढ़ सी आ गई थी भोजपुरिया गानों में बाबा भोलेनाथ के गानों की। आपको बता दें कि पिछले बार तकरीबन हर एक्टर और हर एक्ट्रेसेस ने बाबा भोलेनाथ के सावन के महीने के ऊपर सभी ने गाने गाए थे और अमूमन सभी के गाने बहुत पसंद किए गए थे। और इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं सिंगर और नॉन सिंगर, यानी कि जो एक्ट्रेसेस सिंगर नहीं है, जो एक्टर सिंगर नहीं है, वो भी सावन के महीने में अपने प्राइवेट एल्बम निकालेंगे और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे। साथ ही साथ उनके फैंस के लिए भी ये किसी बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं होते हैं कि उनके फेवरेट स्टार के गाने वो सुने, बाबा भोलेनाथ के सावन के सोमवार का आशीर्वाद लें। तो तैयार हो जाइए सबसे पहले खेसारी लाल यादव के गानों को सुनने के लिए। और उसके बाद पवन सिंह भी तैयार हैं। जी हाँ, वो अपने सावन के एल्बमों की रिकॉर्डिंग शुरू कर चुके हैं और जल्द ही उसे वो कंप्लीट भी कर लेंगे। साथ ही साथ अभी दिनेश लाल यादव निरहुआ इसमें काफ़ी पीछे हैं। उन्होंने न तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है और ना ही उन्होंने गानों की कोई लिस्ट तैयार की है। हो सकता है कि इस बार वो ऐसा न कर पाए तो उनके पुराने गानों से ही उनके फैंस को संतोष करना पड़ेगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।